गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। चल मिले क्वेश्चन लास्ट देख रहे हैं 3F का, ठीक है। 3F का क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 37 और 38। दोनों क्या करना है, प्रूफ करना है। अप्रूव करना है आपको फॉर्मूला का यूज करके, ना कि आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ 0.853 टाइम्स प्लस 0.15 थ्री टाइम्स। और आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है कि मल्टीप्लाई कर इधर मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा सम उसको फिर सम कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। इसको फॉर्मूला पर यूज करके आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसके लिए आपको एक कैलकुलेटर पास में रखना पड़ेगा, ताकि 0.85 का क्यूब कैसे करेंगे 0.15 का, या फिर आप आपका कैलकुलेशन ठीक है तो आप कॉपी में ही कर, ऐसे आप लोग कॉपी में ही करना है। एग्जाम में आपका तो मोबाइल वगैरह कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो आप कॉपी में ही करिएगा। तो देखिए चलिए 0.85 का कैसे, मतलब कौन सा फॉर्मूला पे कैसे कहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे 0.85 मल्टीप्लाई 0.85 तीनों देखिए आपका मल्टीप्लाई में है, तीनों आपका क्या है मल्टीप्लाई में, और तीनों सेम नंबर, फिर प्लस, फिर 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15। यहाँ भी देखिए तीनों सेम नंबर और मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते थे एक्सपोनेंट आप पढ़े हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको कैसे लिखते थे 2 के पावर 3 लिखते थे, और 3 पावर क्या बताता था कि 2 है जो 3 बार रिपीट होगा नंबर, उसको मल्टीप्लाई कर लिखना। बस उसी तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो 0.85 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, और 2 टाइम्स होता है 2 टाइम्स लिखते हैं, 3 टाइम्स होते हैं आप 3 टाइम्स लिखे, ठीक। फिर प्लस है, बीच का साइन प्लस है, फिर 0.15 भी 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.15 का होल क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए देखिए आगे, आप नीचे ध्यान दीजिए, नीचे आपको ध्यान देना है कि 0.85 जो है यहाँ पे 2 बार है, ठीक है, दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 0.85 2 टाइम्स, ये आप नहीं जोड़ ले क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, सब्ट्रैक्ट का साइन आ गया, तो इसको आप नहीं जोड़ना है इसमें। 0.85 दो बार है ना, दोनों मल्टीप्लाई में सेम नंबर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0.85 का होल स्क्वायर, 0.85 का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़िए, आगे देखिए 0.85 गुना, अगर यहाँ पर 0.85 रहता तो यहाँ पर 0.85 का होल स्क्वायर करते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस है, तो दो इसका कहने का मतलब दोनों आपस में गुना का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी नहीं करने, इसको ऐसे लिख दीजिए 0.85 इंटू 0.15, फिर प्लस। फिर आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि 0.15 सेम नंबर और दोनों मल्टीप्लाई में, बीच में और कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर एक्सपोनेंट के रूप में ऐसा लिखते हैं पावर के रूप में, तो 0.15 का होल स्क्वायर। बस इसको फॉर्मूला पे स्प्लिट कर दीजिए, तो देखिए फॉर्मूला दिख गया, इसको आप पढ़िए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फॉर्मूला पे, यहाँ पे इसको सिर्फ गुना कर सरल लिखना, ठीक है। फॉर्मूला हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, आप लोग याद कर चुके हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यह होता है आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, ठीक है। तो चलिए देखिए इस पे फॉर्मूला पुट कीजिए, तो क्या बोल रहा है एक्स प्लस वाई, ये पढ़ लें आप एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यानी एक्स के 0.85 पुट करना, वाई के 0.15, तो यहाँ पुट किए क्या x प्लस वाई। तो चलिए देखिए x कितना है आपका 0.85, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.85 प्लस y कितना है 0.15, ये आपका हो गया। फिर क्या बोला x स्क्वायर ना, तो x के लिए आपका 0.85 है, तो 0.85 का स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस एक्स वाई, एक्स के लिए आपका 0.85 इंटू 0.15, मतलब y के यहाँ पे प्लस y स्क्वायर, y के यहाँ पे 0.15 तो 0.15 का स्क्वायर, ये आपका हो गया। नीचे का काम, नीचे का काम क्या है 0.85 का स्क्वायर, तो 0.85 का स्क्वायर, फिर माइनस 0.85, ये काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं स्प्लिट यहीं पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आंसर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 0.85 का स्क्वायर, अब देखिए कैलकुलेटर यूज करते हैं, 0.85 का स्क्वायर हो जाएगा 0.85 इंटू 0.85, यह आपका 0.7225 आ जाएगा, ठीक है। तो यह आपका आया 0.7225, फिर माइनस का ये साइन, ठीक है। फिर 0.85 में 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.85 में मल्टीप्लाई करना है 0.15 से, है ना, 0.85 में 0.15 से, तो जब मल्टीप्लाई किया 0.127 आया, यानी 0.1275, ये आपका वो, फिर प्लस, फिर 0.15 का होल स्क्वायर, मतलब दो बार लिखकर गुना करना है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, 0.15 है ना,
0.15 इंटू 0.15 जब मल्टीप्लाई किया 0.0 0.0 1225 ना 125 कितना है 225 यहाँ पे आपका लिखिए 0.0225 एक फिर से देख लीजिए 0.825 का 0.85 इंटू 0.85 चलिए ठीक है। अब देखिए ये काम हुआ, अब स्पेसिफिक करिए 0.85 में 1.0.15 जोड़िए, ये जो आसान है इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं 0.85 में 0.15 को ऐड करें, यही ना है। तो चलिए देखिए 5 5 10 का 0 कैरी बचा 1, 8 1 9 10 10 का 0 कैरी बचा 1 और 0 0 0 और 1 जुड़ेगा तो 1, यानी आपका जब ऐड किए तो क्या जब 1 पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, अगर सिर्फ 0 ही रहेगा ढेर सारा, अगर इसमें अगर कहीं 2 दे देगा तो वैल्यू है ठीक है, और आपका सिर्फ 0 है सिर्फ 0 0 है तो पॉइंट का वैल्यू, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं तो सिर्फ 1 आया, तो ऐड करने पर आपका यहाँ पर 1 आया। फिर ये इसको फिर क्या कीजिए 0.85 करो सर, कितना लाया था 0.7225 था ना, तो 0.7225 माइनस फिर 0.85 में 0.15 से जब मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे वही किए थे तो आपका आया था 0.1275 फिर प्लस 0.15 का स्क्वायर जब निकाला था कितना आया था, कितना आया था 0.0225 ये था आपका ठीक है। फिर माइनस नीचे आ जाइए, फिर देखिए अब 0.7225 में से 0.7225 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 0.1275 सब्ट्रैक्ट का 0 2 में से 7 जाएगा तो 12 कैरी लेंगे तो 12 में से 7 जाएगा 5 यहाँ बचा 1 फिर कैरी लेंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9 यहाँ बचा 6 6 5 यानी 0.5950 चेक कर लीजिए 5 7 5 12 9 2 11 12 5 6 7 0.5950 यानी आपका नीचे आया 0.5950 ये जब सब्ट्रैक्ट किए प्लस फिर इसी में 0.0250 0.0225 ठीक है। अब देखिए अब इसको इसको घटाइए और इसको आप जोड़ दीजिए ठीक है, तो देखिए 0.7225 और 0. इसको जब सब्ट्रैक्ट किया कितना आया था 0.5950 आया था ना, तो ये आप 1 लिखिए, यही काम देखिए नीचे हुआ था, ये काम जो था वहीं पे यही किया था ना, देखिए ये वाला यही टर्म यहाँ पे है तो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट किया तो वही यहाँ पे कितना आया था 0.5950 प्लस इसी में क्या करना 0.0225 को ऐड करना है अब बाई ये आपका नीचे का टर्म ठीक है 0.5950 प्लस 0.0225 ठीक है। तो आप ये नहीं करिएगा इसको ऐसे काट दिया सेम सेम है ठीक है, आप क्या कीजिए इसको पूरा सॉल्यूशन जब कर रहे तो करते जाइए, तो 0.5950 0.0225 को जोड़ेंगे, इसमें क्या करना है 0.0225 को क्या करना है ऐड करना, देखिए 5 7 11 और 5 6 यानी 0.6175 यहाँ पे 1 फिर 0.6175 तो नीचे भी तो वही ऐड है तो वही यहाँ पे आ जाएगा 0.6175 और देखिए दोनों सेम सेम जैसे 2x2 रहेगा 2x2 मतलब सेम सेम नंबर है 8x8 रहेगा सेम सेम नंबर, वही देखिए 0.6175 0.6175 दोनों सेम है तो ये आपका कट हो गया तो बचा क्या आपका 1 यही आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, बस ये आपका प्रूफ करना था ठीक है। अब देखिए आपका इसी तरह का 38 नंबर है 38 नंबर तो इसके देखिए आप इसी तरह का इसमें फॉर्मूला x³ + x³ - y² का फॉर्मूला यूज होगा ठीक है, तब देख लीजिए क्या क्वेश्चन है 59 × 59 × 59 ठीक है 3 टाइम्स है -9 × 99 और y में 59 2 टाइम्स +59 1 टाइम्स फिर × 9 फिर +9 × 9 इक्वल आपको प्रूफ करके दिखाना है 50। चलिए देखिए जिस तरह से ये बनाया उसी तरह से आप यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या 59 देखिए तो सेम सेम नंबर है ना सारा मल्टीप्लाई में, अगर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर क्या दिया था 50 + 59 + में रहता तो आप ये नहीं लिख सकते 59 थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई में, ऐसा नहीं कर सकते थे ऐसा 59 थ्री टाइम्स क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में सिर्फ ये दोनों थे, आप यहाँ पे क्या दे सकते थे पावर में 2 दे सकते थे ठीक है, तो आप ये गलती नहीं करिएगा। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब क्या था मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई का साइन दीजिए ठीक है, अब देखिए 59 थ्री टाइम्स है ना तीनों सेम मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या 59 का होल क्यूब ठीक
फिर बीच में सबट्रैक्ट का साइन आया, फिर 9 भी 3 टाइम्स सेम सेम नंबर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 9 का क्यूब बाई, अब देखिए यहाँ पे 59 थ्री टाइम्स है, यहाँ पे देखिए प्लस है, ये नहीं कि आप 59 थ्री टाइम्स का होल क्यूब कर दीजिएगा, नहीं, ये दोनों सेम मल्टीप्लाई में, तब यहाँ पे करेंगे 59 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 59 इंटू 9, फिर प्लस 9 टू टाइम्स 9 का स्क्वायर। अब इसे आप फॉर्मूला पे स्प्लिट, इसको नीचे करते हैं, ठीक है, या फॉर्मूला पे स्प्लिट कर दीजिए, तो क्या हो गया, इसको पढ़िए आप क्या एक्स, इसे पढ़िए आप एक्स, इसे पढ़िए आप वाई, तो एक्स क्यू, यहाँ पे ए नहीं 9 है, ठीक है, 59 और 9, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का, हाँ यही ना, हाँ ठीक है। अब देखिए तो चलिए पुट कीजिए, एक्स का यहाँ पे 59, वाई का यहाँ पे 9, तो एक्स माइनस वाई तो 59 माइनस 9 वाई, वाई का जब क्या है 9, बस यही आपका आंसर, 59 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 आ जाएगा, 50 है, और बाकी सारा सब कट जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे कटा था ना, देखिए ये आपका जोड़ कर 1 आया था और सारा यहाँ पे जैसा सारा कट कर 1 आ गया, तो 1 से मतलब उसी तरह से यहाँ पे 59 से 9 सब्ट्रैक्ट 50, और जितना सब यहाँ पे वैल्यू आएगा सब कट जाएगा आपस में, ठीक। अब क्या हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया, एक्स माइनस वाई, फिर बोलता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का जहाँ का क्या है 59, तो यहाँ पे 59 का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई ना, क्या है प्लस एक्स वाई, तो एक्स के जहाँ का 59 है और वाई के जहाँ का 9, फिर प्लस वाई स्क्वायर, वाई के जहाँ पर 9 है तो 9 का स्क्वायर, ठीक, वाई यहाँ पे 59 का स्क्वायर कर लेते हैं, 59 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 59 इंटू 59 आपका 3481, ठीक है 3481, तो ये आपका हो गया, यहाँ तो 59 यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है 3481, फिर प्लस 59 में फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 59 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 531, फिर प्लस 9 का स्क्वायर 81, अब ऊपर का काम 59 से 9 से सबट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा 50, फिर 59 का स्क्वायर यही 3481, फिर प्लस 59 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 531 और प्लस 9 का स्क्वायर 81, यही टर्म नीचे है आपका 3481 प्लस 531 प्लस 81, ठीक है। अब देखिए आपका यह हो गया 50, और इस सारे को जब ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3481 प्लस 3481 प्लस 531 प्लस 81, जब मल्टीप्लाई किया तो 4093 आया, ठीक है 4093, तो वही टर्म भी तो नीचे भी ऐड करना था, ये भी आपका क्या आ जाएगा 4093, देखिए सेम सेम नंबर, तो आपका कट गया, तो सिर्फ बचा क्या 50, तो आपका ये क्या हो गया 50 आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कंप्लीट चैनल ये कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।